ये क्वेश्चन हो गया सबसे, कोई डाउट है इसमें? होमवर्क दिया था मैंने, नो सर, नो सर, का सॉल्यूशन भी यहाँ पे था। हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर, यस सर। कोई डाउट? नो सर। कौन सा सिनेरियो था ये? पॉजिटिव लेस देन क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, करेक्ट। तो क्वेश्चन मार्क को ये सोचा करो कि पॉजिटिव होगा चलेगा क्या? हाँ भाई, पॉजिटिव लेस देन पॉजिटिव चलता है। नेगेटिव होगा तो चलेगा क्या? नहीं, पॉजिटिव कभी लेस देन नेगेटिव होता ही नहीं है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो मतलब क्वेश्चन मार्क को पॉजिटिव बनाना ही है, इस तरीके से सोचो, ठीक है? यस सर। चलो, इसके बाद एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, फिर थर्ड और फोर्थ भी दिया था आपने। ओके, दिस क्वेश्चन, तो ये कौन सा सिनेरियो था? पॉजिटिव लेस देन क्वेश्चन मार्क, देखो तो सोचो कि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव चलेगा? बिल्कुल चलेगा। दैट मींस दो केसेस बनाने, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। उसके हिसाब से आंसर आया। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। हाँ, अब और क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था बीच में कोई? सॉरी सर, सर आपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी होमवर्क के जरिए दिया था। थर्ड और फोर्थ क्या है सर? इसका ही ये थर्ड। हाँ, थर्ड और फोर्थ। थर्ड का आंसर क्या है सर? एक्स इज फ्रॉम 10/3 to 5। ये या एवरीवन? यस यस सर। यस सर। और सर 10/3 पे ओपन, 10/3 पे ओपन, 10/3 to 5 क्लोज्ड, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस यस सर। यस। थर्ड में किसी को डाउट? नो सर। सर कृति। ओके, थर्ड देख ले भाई। डोमेन फर्स्ट स्टेप, तो डोमेन इसके करंट 5/2 से बड़ा, इसके करंट 5 से छोटा, तो डोमेन इज 5/2 to 5, करेक्ट लड़की? यस सर। नाउ आई विल स्क्वायर इट, क्योंकि पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव है, सो 2x - 5 इज ग्रेटर देन 5 - x। इतना इजी क्वेश्चन लड़की। 3x इज ग्रेटर देन 10, सो x इज ग्रेटर देन 10/3। नाउ फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन विद द डोमेन। बस ओके सर, मैंने कैलकुलेशन एरर किया होगा। इसमें कौन सी कैलकुलेशन एरर करती है? सर मैं डोमेन में 5 लेना भूल गया, जस्ट टुक इट फ्रॉम 5/2। ऐसे मत कर। ओके, एनीवे, इस क्वेश्चन का आंसर बोलो सर। आर्यमन। हाँ सर। 6 to 8, 6 पर ओपन, 8 पर क्लोज्ड। 6 पे ओपन, 8 पे क्लोज्ड, आई थिंक ये करेक्ट है। बट बहुत बच्चों का 5 टू 8 ऐसा कुछ आया होगा, करेक्ट? हां सर। यस सर, मेरा आया है। तो आप सुन लो, सुन लो, सुन लो। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि ये पॉजिटिव है और इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। वो करेक्ट है, बट उसमें एक गलती होने का चांस है, क्योंकि तुमने डोमेन निकाले बिना उसको उड़ा दिया, तो तुम्हारा आंसर इसके हिसाब से आ जाएगा। बट क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं है, क्वेश्चन अंडर रूट के साथ है, मतलब अंडर रूट का डोमेन मैटर तो करेगा। Yes, sir. Yes, sir.
Yes, everyone able to hear me? Yes, sir. We can disconnect with that. So I was talking about this question. This question mein, before solving, हमें पहला step क्या निकालना है? Domain. Understood? Yes, sir. तो under root के अंदर कौन है? 19x minus x square minus 78. That is greater than equal to 0 or greater than 0? So greater than 0. Then क्यों? क्योंकि denominator में. Yes, sir. X square minus 19x plus 78 is less than 0. तो am I audible? Yes, sir. Okay, मैंने co-host बनाया हुआ है और disconnect बहुत हो रहा है. I don't know why. Okay, anyway, 6 to 13. Okay, कहाँ गया? Yeah. तो ये domain हो गया. अब under root को हम positive है, तो इसलिए we can eliminate it to everyone. Yes or no? Yes, sir. X square yes, minus 13x plus 48 is less than equal to 0. इसके factors 5 and 8. X minus 5 into X minus 8 is less than 0. So X is 5 to 8 closed. But intersection with the domain, इसलिए बोलता हूँ कि domain पहला step करा करो. So final answer क्या हो जाएगा? 6 to 8. 6 पे open, 8 पे closed. बिल्कुल clear everyone? Yes, sir. कोई doubt किसी को? Yes, sir. नया question करें फिर? Yes, sir. इसको कॉपी वॉपी करना है तो वो बाद में करना, अभी सिर्फ समझने का काम था, वो कर लिया हमने. चलो नया क्वेश्चन करो. सॉरी, राइट डाउन क्वेश्चन. अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन x माइनस 1. सॉल्व दिस. अंडर रूट की प्रैक्टिस शीट की ना सबने? यस सर. ओके,
Divyansh correct. Varun brackets. Ajashatru correct. Correct. Answer is this. Jaldi se karo. ओके लास्ट 10 सेकंड्स आई थिंक इनफ टाइम बच्चों वन करेक्ट वन करेक्ट हां यस सर डन सर यस सर डन सर ओके चलो डिस्कस करते हैं अब इनफ टाइम सर आ रहे मान सर मुझे माइनस इनफिनिटी टू माइनस फाइव यूनियन ही आ रहा है यस सर सेम ओके देख लेते हैं मेरे को ध्यान नहीं है बट हो सकता है वो भी हो अच्छा कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो गुड बात है यस डोमेन एक्स प्लस फाइव इनटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो बच्चों सो डोमेन इज माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव यूनियन टू से इनफिनिटी कोई डाउट यहाँ तक अब सॉल्व करने गए तो फिर फॉर्म देखा पहले तो पॉजिटिव ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क आया ना फिर सोचा कि पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ग्रेटर देन पॉजिटिव तो बिल्कुल हो सकता है अगर नेगेटिव हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है केस वन एक्स माइनस वन इज पॉजिटिव केस टू x minus 1 is negative x is less than 1 is the case condition x is greater than 1 is the case condition okay first case mein form kya ho gaya hai positive greater than positive usme kya karte hain bachcho apan square sir square so x square plus 3x minus 10 is greater than x square minus 2x plus 1 so 5x is greater than kitna ho gaya 11 correct bachcho yes sir yes sir So x is greater than 11/5, 2.2. उसका intersection लेना है case condition के साथ. So answer है 11/5. कोई doubt यहाँ तक? No yes, sir. No sir. Sir domain के साथ भी intersection. बस चुप रहे. Second case, है ना ये बीच में अभी गलत बोला तो अब सुन लो. तो ध्यान से इसलिए बोलता हूँ बीच में मत बोला करो. Second case कौन सा case है बच्चों? Positive greater than negative. 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 पॉजिटिव ग्रेटर देन नेगेटिव पे स्क्वायर करते हैं ऑल इज वेल बोलते हैं सेक्शन किसके साथ केस कंडीशन के साथ आंसर क्या हो जाएगा केस कंडीशन ओनली करेक्ट एवरीवन यस सर यस सर ओके नाउ द आंसर इज द यूनियन ऑफ द केसेस सो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 1 यूनियन 11/5 से इनफिनिटी करेक्ट यस यस सर नाउ द ओनली थिंग इज लेफ्ट इज इंटरसेक्शन विद द डोमेन डोमेन क्या था माइनस इनफिनिटी से माइनस 5 तो माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव और इसका इंटरसेक्शन तो माइनस इनफिनिटी से माइनस फाइव हो जाएगा करेक्ट बच्चों यस सर और पॉजिटिव साइड पे 2 और 2.2 क्या हो जाएगा 11 2.2 हां सो दिस इज द फाइनल आंसर नॉट ओनली दिस बिल्कुल क्लियर यस यस सर गुड गोपाल एंड आर्यमन कॉन्फिडेंट सर क्या ये सबको क्लियर है यस सर यस सर
मतलब कम से कम मेजोरिटी ने सिर्फ 11/5 लिख दिया था, थोड़ा ढंग से करो यार। और अब अगर अभी भी तुम डोमेन नहीं निकाल रहे हो पहले तो अब क्या करूं, ठीक है फिर तुम डिसाइड कर लिया मार्क्स नहीं चाहिए। बाद में इन द रश ऑफ डूइंग द क्वेश्चन हम डोमेन भूल जाते हैं, मेक अ हैबिट पहले निकालना है। आगे बढ़ूं एवरीवन? यस यस सर। ये अच्छा क्वेश्चन है, करो। ओपन है ये तो इनसे कुछ से ये तो आपको सकते हैं आप इसको पढ़ते हैं। Dhruvil, your answer is not clear. क्या बोलना चाहते हो? ढंग से लो। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है?
सर हो रहा है सर, हो रहा है सर, 2 मिनट 2 मिनट ओके ध्रुव विल करेक्ट, मिस्टर शत्रु रॉन्ग, सामिया रॉन्ग, जोशिया करेक्ट, करें डिस्कस। यस सर, टू यस सर। तो कैन यू चेक द आंसर? अरे शत्रु रॉन्ग, कैरव रॉन्ग, जय करेक्ट, गोपाल रॉन्ग। चलो इनफ टाइम, अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं। दिस सी ऑन द स्क्रीन, अंडर रूट की इनसाइड अंडर रूट, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी हिंट दी थी, या तो ट्रिगो के 1 cos 2 θ के फॉर्मूला से होते हैं, या फिर अंडर रूट के इनसाइड क्या बनता है एवरीवन? परफेक्ट स्क्वायर। सुना सबने? यस सर। यस सर। अंडर रूट के इनसाइड परफेक्ट स्क्वायर बना तो हेल्पफुल रहेगा ना? यस सर। यस सर। नचिकेत करेक्ट, गुड आंसर। श्रेयस आल्सो गुड, वेरी गुड। सामी आज ब्रैकेट्स पर थोड़ी सी गलती। सो एज आई सेड, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। सो उसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बीच में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, माइनस टू ए बी, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो perfect square, किसका है वो गेस करने के लिए वी कैन से ये 2ab टर्म है। ए लू और इसको b लू तो ये वाला टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो होया क्या है क्या हा? देखो जल्दी से, बताओ जल्दी से, है या नहीं है? है सर। है सर। सर। है या नहीं है वापस? है सर। है सर। तो बताओ ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर किसका हो गया? ए माइनस बी, सॉरी बी का होल स्क्वायर। बताओ जल्दी से, कैप्चर करो, सही लिखा है मैंने? यस सर। सेम वे में अगर इसको 2ab बोलूं, 2 × 3 × √x − 1, इसको ए लू इसको बी लू तो ये भी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। जल्दी से चेक करो। सर। तो ये रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर है। बताओ यहाँ तक अंडरस्टूड है एवरीवन? यस सर। ओके, अब लाउड वॉइस में चिल्ला के बोलना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? एक्स होता है ना? मॉड ऑफ एक्स। मॉड एक्स। मॉड एक्स। मॉड एक्स, याद आया एवरीवन? यस सर। सो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर की एक्सप्रेशन है ना? यस सर। यस सर। सो आंसर हो जाएगा मॉड एक्स, देखो mod of this plus mod of this। बताओ यहाँ तक understood? Yes sir। Yes sir। देखो कितना अच्छा twist है यहाँ पर। अब mod कैसे open होता है everyone? Plus minus के basis पे, correct? Yes sir। Yes sir। Depend करता है उसका critical point है ना? Yes sir। Yes। Yes sir। So अब जैसे इसका critical point निकालना है,
तो दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो करके निकाल सकते हैं, इक्वल टू व्हाट, फोर एक्स माइनस वन, सॉरी इज टू, एक्स माइनस वन इज फोर, एक्स इक्वल टू फाइव, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइव है, मतलब नंबर लाइन पे इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइव होगा, उसका टेन हो जाएगा। इसके हिसाब से तीन केसेस बना के सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, करेक्ट यहाँ तक? यस सर। बट इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, मतलब इससे हो तो जाएगा, किसी को हिट नहीं हो रहा था ऐसा करना चाहिए तो हो जाएगा, बट अगर कोई अच्छी तरह मेरे साथ पढ़ा है तो उसको शॉर्टकट यहाँ पे हिट होना चाहिए। एनीबॉडी? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। वेरी गुड, ट्रायंगल इनइक्वालिटी दिखना चाहिए। और ये कैंसिल हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे अगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करूं? यस सर। कम ऑन, इसको पहले वाले टर्म को ऐसे ही रहने देता हूँ, दूसरे वाले टर्म का साइन चेंज कर दूं अंदर ही, कम ऑन। यस सर। बताओ अगर मैंने इसको एक्स लिया, इसको वाई लिया, तो इज दिस एक्स प्लस वाई? कम ऑन जल्दी से बताओ। तो ट्रायंगल इक्वालिटी होल्ड्स, ट्रायंगल इक्वालिटी कब होल्ड करती है एवरीवन? x dot y greater than equal to 0, करेक्ट बच्चों? यस सर। तो हु इज x? अंडर रूट x माइनस 1 माइनस 2। हु इज y? 3 माइनस अंडर रूट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हां या ना? यस सर। यस सर। कोई डाउट है यहां तक बच्चों? नो सर। नो सर। ओके अब बताओ क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं इसको? इसका बस बेबी कॉपी पे क्रिटिकल पॉइंट कर सकता हूं, पहले तो साइन चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, इनटू अंडर रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री इज लेस देन जीरो। अब बताओ ट्रिग्नोमेट्रिक बेबी का, और ये सब बताया ना मैंने तुम्हें, साइन एक्स अगर होता है तो इनटू एक्स माइनस थ्री, तो क्या साइन एक्स इक्वल टू जीरो का क्रिटिकल पॉइंट मार्क करते नहीं करते एवरीवन? अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो बताओ रूट एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट तो फोर है, इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है एवरीवन? जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू, नाइन है, फिर प्लस चलेगा, वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। इसका क्रिटिकल पॉइंट अभी निकाला हुआ हमने, कितना है? याद आया? क्रिटिकल पॉइंट 9 प्लस 1 10, 10 प्लस माइनस प्लस, यहाँ तक क्लियर? यस सर। तो मेन हमेशा ध्यान रखना x ग्रेटर देन 1 है ना, तो अभी लेस देन के कारण आंसर आ गया x बिलोंग्स टू 5 टू 10, इंटरसेक्शन विद द डोमेन, इंटरसेक्शन विद द डोमेन व्हिच इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? 5 to 10। क्या ये अच्छा क्वेश्चन समझ में आया एवरीवन? यस सर। कॉपी करो,
किसी ने इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किया था? नहीं नहीं। तो दो तीन बच्चों का, चार पांच बच्चों का आंसर आया, कैसे किया था सर? लॉन्ग मेथड। सर लॉन्ग मेथड केस वाइज। लॉन्ग मेथड सर, लॉन्ग मेथड। ओके ओके। हाँ भाई, अब फाइनली कॉपी हुआ? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? जी सर। यस। ओके चलो आगे बढ़ रहे हैं। फाइनली आई होप हो गया। अब दो फंक्शन हमने कर लिए इस चैप्टर में, व्हाट आर दे एवरीवन? अब हम करने वाले हैं क्यूब क्यूबिक एंड हायर पावर पॉलिनोमियल्स, मतलब क्वाड्रेटिक का ही एक्सटेंशन है। क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है, मैंने सम ऑफ द रूट्स क्यूबिक के लिए थोड़ा सा बताया हो, बताया था या नहीं बताया? yes, था हाँ वो है, बट सम ऑफ द रूट्स नहीं बताया मेरे ख्याल से। फिर तो फिर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक, बट बेसिकली वो सब वही फंडे चलते हैं जो क्वाड्रेटिक। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक जो होता था वैसा ही फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक का होता है। फिर डू यू रिमेंबर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक का एक और मेथड ट्रांसफॉर्मेशन? यस सर। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी वैलिड है। तो इन्हीं सब टॉपिक को बोलते हैं एक्चुअली थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जैसे सिंगेज में भी इसी चैप्टर से नाम है अगर तुमने देखा है तो। ओके थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो पहले क्वाड्रेटिक के लिए रिवाइज करते हैं जो जो चीज यहाँ पे काम आने वाली है। ओके so a general quadratic is of the shape ax square plus bx plus c equal to 0. uske do roots hote hain, roots can be real or imaginary. sum of the roots ka kya formula hota hai everyone? minus b by minus b by into beta by c by. to ye to quadratic pata hai, to hame sum and product pata hai. agar ulta kaam karna hai to we have to form a quadratic. so quadratic ka old is gold formula kya hai everyone? x square minus alpha sum of the root into x plus product of the roots equal to 0. याद आ गया everyone? yes sir. similar equation भी याद आई? similar equations? yes sir. अगर a alpha square plus b alpha plus c दे रखा है और एक और दे रखा है a beta square plus b beta plus c equal to 0, तो जहाँ जहाँ पे alpha beta exchange हो रहे हैं उसकी जगह x लिखते हैं हम, याद आया? yes sir. roots alpha और beta हो जाते हैं। then transformation भी हमने करा था। transformation क्या है कि अगर original quadratic के root alpha beta है, हमें नई quadratic निकालनी है। let's say original quadratic ये है, नई quadratic निकालनी है जिसके root alpha plus 2 और beta plus 2 है। तो क्या था transformation का relation everyone? y = x + 2 that means हम x को कितना रखते हैं everyone? y - 2 so as soon as we put x को y - 2 हमारे पास equation y में आ जाएगी, correct everyone? yes sir. उसको open करेंगे बस वही हमारी नई new quadratic है, बताओ agree करो all of you? yes sir. तो ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ revise कराया, यहाँ तक clear? Yes, sir. अब जो हम लिखेंगे वो तो हम क्यूबिक के लिए लिखेंगे। तो देखो इधर पार्ट ए क्यूबिक इक्वेशन,
तो अब क्यूबिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो, जिसके तीन रूट्स लेट से अल्फा बीटा गामा है। सो फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा टाइप का भी हो सकता है सम ऑफ द रूट्स, तो ऐसा भी हो सकता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एग्री करो? यस अगर सिर्फ सम बोल रहे हो तो ये दोनों ही सम है, तीसरा तो प्रोडक्ट है, करेक्ट एवरीवन? यस यस तो हाउ डू यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट टू, लास्ट वाले को तो चलो प्रोडक्ट ही बोलोगे, बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट फर्स्ट एंड टू? सो गोपाल, सो सम ऑफ ऑल द रूट्स एंड सम ऑफ कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, पहले वाले को बोलते हैं हम सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, क्या बोलते हैं एवरीवन? सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, बताओ यस सही नाम है एवरीवन? यस सर। और दूसरे को क्या बोलते हैं फिर, कम ऑन, एस टू, सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर मैं बोलूंगा सम ऑफ द रूट्स टेकन थ्री एट अ टाइम तो वो क्या होगा? प्रोजेक्ट का रूट्स, तो यस तुम इसको S3 भी बोल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आया? क्योंकि taken 3 at a time एक ही सम बन रहा है अल्फा बीटा गामा, करेक्ट एवरीवन? यस सर। तो पहले को बोलते हैं S1, दूसरे को बोलते हैं S2। S1 का आंसर वही क्वाड्रेटिक का फॉर्म चलता है, देखो क्वाड्रेटिक में भी यही होता है पैटर्न, अगर तुमने देखा तो पहले होता है बी बाय सम, फिर प्रोडक्ट में होता है सी बाय ए, फिर साइन चलता है माइनस प्लस की तरफ, ये पैटर्न देखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. मतलब जो सेकंड कोफिशिएंट है डिवाइड बाय हाईएस्ट कोफिशिएंट, फिर प्रोडक्ट में थर्ड कोफिशिएंट है डिवाइड बाय हाईएस्ट कोफिशिएंट, और साइन कन्वेंशन माइनस प्लस के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पे भी सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, गेस करो? माइनस बी बाय बी बाय ए का माइनस, यहाँ तक क्लियर? यस सर। एस टू के आंसर में क्या आएगा, कम ऑन, सी बाय पॉजिटिव बाय ए विथ व्हाट, प्लस साइन कन्वेंशन कैसे चलता है, मैंने बोला माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सुना सबने? यस सर। तो नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा में क्या आ जाएगा, गेस करो? माइनस डी बाय डी बाय, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा का एस वन कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस टू बाय थ्री, हाँ है ना बच्चों? यस सर। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को मैं समेशन अल्फा भी लिख सकता हूँ ना एवरीवन, याद करो ठीक हो? याद आया? यस सर। और एस टू को मैं लिख सकता हूँ समेशन अल्फा बीटा, कितना हो जाएगा आंसर बोलो जल्दी से, कम ऑन, 7/3। Everyone comfortable? Yes, sir. Yes, sir. And last will be product alpha beta gamma. कितना हो जाएगा everyone? Minus 10 by 10 by 2. यहाँ तक कोई doubt? No, sir. No, sir. Next, formation of cubic equation. Formation of cubic. अगर तीन roots हमारे पास आता है alpha beta gamma are given to us, how can we form a cubic? हर क्वाड्रेटिक सम एंड प्रोडक्ट से आएगी तो हर क्यूबिक कैसे आएगी, S1 S2 n S3 3, तो तुम S1 निकाल लोगे, तुम S2 निकाल लोगे, तुम प्रोडक्ट निकाल लोगे, और यहां पे ओल्ड इज गोल्ड का क्या फॉर्मूला होगा, गेस करो? साइन कन्वेंशन वही चलता है, वहां पे भी वैसा था माइनस प्लस, हां या ना? यस यस सर। तो क्यूबिक का क्या फॉर्मूला होगा, x क्यूब आगे S2X उसी के हिसाब से तो देखो आ रहा है सम ऑफ द रूट्स इज माइनस ऑफ दिस डिवाइडेड बाय दिस, आया ना? यस सर। प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ माइनस S1 बाय 1, याद आ गया एवरीवन? यस सर। तो किसी को डाउट फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक के फॉर्मूला में, ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला? नो सर। नो सर। x cube minus s1 x square plus s2 x minus product equal to 0, क्या यहाँ पे भी transformation valid है क्या? Yes sir. हाँ sir. Yes sir. हाँ transformation तो किसी भी polynomial valid है, कि अगर original cubic दे रखी है, उसके roots alpha beta gamma है,
हमें नई क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट 4 अल्फा 4 बीटा 4 गामा है, तो बताओ क्या ट्रांसफॉर्मेशन का रिलेशन हो जाएगा एवरीवन? y = 4x. बस x को y/4 रख दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? नहीं, बिल्कुल क्लियर? यस सर। कॉपी करो यहां तक थ्योरी ऑफ इक्वेशन हेडिंग डाल के ये कॉपी करो। हो गया कॉपी? यस सर। यस कैन आई मूव एवरीवन? लास्ट टाइम आस्किंग सर, एक मिनट वन मिनट थोड़ा फास्ट कॉपी करा करो यार, वेरी स्लो। ये अभी आपने नहीं था वो बस क्या बोल रहा है?
ओके, कोई डाउट नहीं, आई होप एवरीवन। नो सर। चलो आई होप कॉपी हो गया है। खुद से करो। नाउ बी फोर्थ पावर इक्वेशन, हायर पॉलिनोमियल्स, फोर्थ पावर, सब में सेम पैटर्न होता है। हमारे सिलेबस में फोर्थ पावर भी नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं, बाकी सब करने की कोई जरूरत नहीं। सो इफ यू हैव फोर्थ पावर इक्वेशन, उसका जनरल फॉर्मेट ऐसा ही होगा, करेक्ट बच्चों? यस सर। यस सर। कितने रूट्स होंगे उसके? सो अगर पहले सम एंड प्रोडक्ट की बात करें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, दैट इज समेशन अल्फा, करेक्ट बच्चों? यस यस सर। उसको अब से लिखेंगे S1, करेक्ट यहाँ तक? यस सर। वैल्यू बाद में। देन दूसरा वाला सम अल्फा बीटा कैसा होगा? मतलब पहला वाला तो देखो ऐसा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरा वाला ऐसा होगा, देखना, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस अल्फा गामा। अल्फा के साथ सारा पैटर्न फिनिश कर रहा हूं मैं, एग्री करो? प्लस अल्फा डेल्टा, फिर बीटा के साथ। बीटा का अल्फा के साथ तो हो ही चुका है, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, लास्ट कौन बचा है बताओ? गामा गामा डेल्टा। गामा डेल्टा। मैंने रैंडम नहीं लिखा था कि कोई टर्म मिस नहीं हुआ, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। तो इस सब को शॉर्ट में क्या लिखेंगे बताओ? समेशन अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, या फिर क्या लिखेंगे? S2। यहां तक क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, और एक और टाइप का सम हो सकता है, कम ऑन, S3। यस सर। है ना? यस सर। अल्फा बीटा गामा, वो क्या हो जाएगा देखना। मैं अल्फा बीटा को फिक्स कर लिया, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, अल्फा बीटा वाले सारे खत्म हो चुके हैं, अब अल्फा गामा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा, एग्री करो? यस सर। यस सर। एंड लास्ट विल बी देन व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस सर। अब सबका आंसर वही पैटर्न होगा, कम ऑन। सबसे पहले S1 का आंसर बोलो जल्दी से, माइनस माइनस बी बाय S2 का आंसर बोलो, कम ऑन, सी बाय सी बाय S3 का आंसर बोलो, कम ऑन, माइनस बी बाय आंसर बोलो, ई बाय ई बाय ई बाय। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, 3x4 plus 4x3 minus 7x2 minus 10x minus 15 equal to 0। चलो इसके चार रूट्स है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। S1 की वैल्यू बोलो कितना हो जाएगा? माइनस फोर बाय थ्री। S2 का आंसर बोलो कितना हो जाएगा? माइनस सेवन बाई थ्री। क्यों? क्योंकि प्लस के आगे माइनस लगता है ना? यस सर। एंड देन लास्ट प्रोडक्ट का आंसर कितना हो जाएगा? माइनस फाइव। बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ पावर इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होगा, फटाफट खुद ही बोल दो। x4 आगे s1 minus s1 minus s1 plus s2 x square minus x3। कुछ भी नया नहीं है, इज दैट क्लियर? यस सर। टॉपिक फिर समवन में आपने गामा सॉरी डेल्टा नहीं डाला, बहुत अच्छे डाल दो।
जल्दी फटाफट कॉपी करो। हो गया कॉपी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं आता? एनीबॉडी कोई डाउट? नो सर। जस्ट अ सेकंड। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है वैसे ये, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस तो जरूर चाहिए। चलो स्टार्ट करो ये वाला क्वेश्चन। सबको स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस यस। स्टार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट मेक अ मिस्टेक।
हो गए दोनों पार्ट एवरीवन? यस सर. सबको पता है समेशन अल्फा का आंसर 5 बाई 2 है, समेशन अल्फा बीटा का आंसर कितना है बोलो? 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 3 बाई 2 समेशन अल्फा बीटा 3 बाई 2 अल्फा बीटा गामा माइनस प्लस माइनस तो 1 बाई 2 तो यहाँ पे आंसर लिया तो अल्फा बीटा गामा और ऊपर गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा करेक्ट बच्चों? यस सर. इसका आंसर 5 बाई 2 इसका आंसर 1 बाई 2 तो पहले का आंसर 5. कोई इशू? नो सर. दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे अब? AQ प्लस BQ प्लस CQ का कोई फॉर्मूला लगाएंगे क्या? यस सर. यस सर. हां सर. नॉट एट ऑल. नो सर. ट्रिगोनोमेट्री प्रॉपर है? नहीं सर. यार जितना पूछा उतना क्यों नहीं बोलते हो यार? भाषणबाजी इतनी बार बोला नहीं, जब मैं पूछूंगी क्या लगाएंगे फिर भी पूछूंगी बताओ चलो क्या लगाएंगे तो बोलो. बिल्कुल नहीं लगाएंगे. ओके दैट इज थर्ड क्लास फॉर्मूला एंड दैट इज यूजफुल ओनली व्हेन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज जीरो. याद है उस टाइप का? अदरवाइज काफी लंबा जाएगा. यहाँ पे तुम अपनी आंखें खुली रखते ना तो अल्फा के टर्म्स को कलेक्ट करते देखना क्या है. 2α³ - 5α² आया ना? यस सर. यस सर. कहना इसे बीटा का बीटा उस टर्म सेम है तो समेशन लिख दूं बताओ? सब कंफर्टेबल यहां पर? यस सर. कुछ दिखा पुरानी याद? हां सर. फंडा एवरी रूट सैटिस्फाइड थिंग एवरी रूट सैटिस्फाइड इक्वेशन याद आया फंडा एवरीवन? यस सर. यस सर. नहीं बस क्वेश्चन दिया था कि याद आए. जल्दी से बताओ 2α³ - 5α² की वैल्यू कितनी हो जाएगी एवरीवन? -3α. तो 2β³ - 5β² की भी 1 - 3β हो जाएगी एवरीवन? यस सर. यस सर. तो इट इज 1 - 3α. आगे बोलो प्लस 1 - 3β प्लस 1 - 3γ. किसी को डाउट यहां तक? नो सर. सो 1 + 1 + 1 = 3 माइनस 3 कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एवरीवन करेक्ट? यस सर. सो 3 - 3 × α + β + γ की वैल्यू 5/2. 2, 6 - 15 = -9/2. ये बस पुरानी यादें याद दिलाने के लिए ठीक है? हाँ सर. आई होप यू गाइस. कोई इशू? कोई डाउट? नो सर. नो सर. नो सर. कोई डाउट लास्ट टाइम? नो सर. ओके कॉपी कर लो जल्दी से 5 सेकंड्स. ओके आगे बढ़ सकते हैं फिर तो. आ जाओ ये करो. सब क्वेश्चन पुराने चैप्टर्स पुराना क्वाड्रेटिक की रिवीजन है इससे फटाफट दे रहा हूँ. कर पाओगे ना फटाफट? हाँ सर. चलो करो जल्दी से करो. एक एक का आंसर बता दीजिए बट विद क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये है ऐसा बताना.
आदित्य मिस्टेक कर रहा है, ध्यान से कर। अच्छा इसके दो ही रूट होंगे या तीन रूट होंगे बच्चों? तीन रूट होंगे सर। तीन रूट, वेरी गुड गोपाल। यस बच्चों, रैशनल कोफिशिएंट्स, एवरी मैच एवरी इरेशनल रूट अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, याद आया? कॉन्जुगेट पेयर, यस सर। इसके तीन रूट्स है और लोएस्ट डिग्री के लिए हम तीन रूट्स मानेंगे, एक 3 प्लस रूट 2, एक 5 और एक और क्या मानेंगे? माइनस रूट 2। उन तीनों को मानते हुए मुझे क्यूबिक बताओ। गोपाल मुझे लग रहा है वो सही है। क्या पता है गोपाल, एक्स क्यूब माइनस 11 है, नहीं गोपाल करेक्ट, करेक्ट है गोपाल, करेक्ट गौरव, करेक्ट विमान, करेक्ट। जल्दी से करो, स्लो प्रॉन्ग। दिव्यांश रॉन्ग, राधा करेक्ट, रोहन करेक्ट। चलो फर्स्ट का आंसर मैं लिख रहा हूँ, मतलब सेकंड का आंसर करेक्ट लिखा है बच्चों? यस सर, यस सर। अब तक किसी को नहीं आया तो उसको सुन लेना चाहिए मेरे साथ ताकि आगे बढ़ेंगे। एक रूट ये है, दूसरा रूट ये है, तीसरा रूट ये है, तो एस वन कितना हो गया तीनों का सम? 6 + 5 = 11। S2 क्या हो गया? बस दो दो का पेयर करके प्रोडक्ट लिखो, सम लिखो, करेक्ट है एवरीवन? 3 प्लस रूट 2 इंटू 5 प्लस 3 माइनस रूट 2 इंटू 5। अब ये तुम्हारा काम है सिंप्लीफाई करना, मेरे ख्याल से 37 आता है प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? 35 राइट? 30 तो बस अब फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक ओल्ड इज गोल्ड फॉर्मूला। सेकंड में किसी को डाउट तो नहीं है ना? No sir. Third answer लिखो जल्दी से। Sir Gopal, I have a doubt on the wording of question number 3. क्या? Sir उसमें only one exactly one root exceeds the other root by 2 की मतलब दो root ऐसे करते हैं? नहीं one root बोला है तो one root ना बच्चे? Okay sir. One root का मतलब one ही होगा।
थर्ड आंसर कमान वन रूट एक्सीड अदर बाय टू. थोड़ा सा आई होप रूट्स को एज्यूम किया. अल्फा अल्फा प्लस टू एंड बीटा एवरीवन. हाँ सर. क्वेश्चन तो आएगी बट करो कमान. एस वन और एस टू का यूज करके सॉल्व करो. So can you close that window? अभी रुक जा. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. तो थोड़ा सा सबको हिंट दे देता हूँ या प्रोसीड करने का स्टेप्स दे देता हूँ. इसके रूट्स को क्या अज्यूम किया एवरीवन? अल्फा प्लस टू एंड बीटा. मतलब तुम्हारे पास दो अननोन्स है ना एवरीवन? यस सर. यस सर. तो सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम इसकी वैल्यू 13 हो गई. सो एक इक्वेशन बन गई तुम्हारी 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 11. कम ऑन. Yes sir. Yes sir. You need just one more equation now to get the answer now. Agree करो? Yes sir. तुम्हारे पास तो दो equation बनने वाली है. जल्दी से agree करो ये भी. Come on. हाँ या ना बच्चों? Yes sir. Yes sir. तो फिर कैसे करें? ये तो extra equation है. तो yes first और second को solve करके third में satisfy करके check करना है. क्यों? Otherwise तुम्हारे root तो मैं 189 करूँ या 389 करूँ अलग अलग same ही आएंगे. Agree करो all of you? Yes, sir. क्योंकि yes, तुम sir. तो सिर्फ S1 और S2 की मदद से सॉल्व कर रहे हो. कम ऑन दिमाग लगाओ. वापस आराम से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना. इफ आई कैन सॉल्व यूजिंग जस्ट S1 और S2 तब तो 189 की जगह 389 हो या 1389 हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर. हाँ या ना? यस सर. यस सर. यस सर. इसका मतलब अभी तुम S1 और S2 के साथ जो सॉल्व कर रहे हो उसमें एक आंसर नहीं आने वाला है, ज्यादा आने वाले. समझ आता है एवरीवन? Yes, sir. Sir, answer भेजा. यार ये वापस कोई गधा जो बीच में बोला ना, मतलब सच्ची में गुस्सा आता है जब मैं समझा रहा हूँ टेक्निकलिटी. आंसर ओ बस आ गया मेरा. अरे रुक तो जा भाई. सो वापस रिपीट कराऊ बच्चों, एस वन एस टू से एक्स्ट्रा आंसर आने वाले. सो दैट यू हैव टू सेटिस्फाई इन प्रोडक्ट एंड चेक. इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. तो अभी यहाँ पे जो आया है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखो यार जल्दी से. कम ऑन. इसमें अल्फा प्लस टू कुछ भी जैसे कॉमन लो या जो भी, आई डोंट नो क्या. अल्फा प्लस टू इंटू अल्फा प्लस बीटा कैसे इसको सॉल्व करें? हाँ यही ठीक लग रहा है. बीटा कॉमन ले लो. अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू, इन दोनों में बीटा कॉमन प्लस बीटा कॉमन. अल्फा प्लस टू इज 15. अब यहां से बीटा की वैल्यू इसमें डाल सकते हो ना एवरीवन टू सॉल्व? यस सर. यस और नो एवरीवन? यस सर. यस सर. जल्दी से सॉल्व करो. कम ऑन. ध्रुव केजरीवाल करेक्ट, राधा करेक्ट, जय गुरी एक्स्ट्रा आंसर. जो भी समझाया वो सुना कर. ध्रुविल करेक्ट.
थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट करना पड़ता है कभी कभार, करो भाई उल्लू के दामत बैठा करो। बीटा की वैल्यू कितनी डालूं जल्दी बताओ। 11 minus 2 alpha equal to 15। इस अल्फा की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो जल्दी से, मुझे बताओ कोई बता, बच्चा बताएगा अल्फा की क्या वैल्यू आती है? सर कितना तो कर सकते हो ना एवरीवन? यस सर। आई एम गिविंग यू 10 seconds, जल्दी से अल्फा को सॉल्व करो फटाफट, 10 seconds में हो जाना चाहिए। ओके आई होप हो गया यहाँ तक। तो अल्फा आ गया तो बच्चों बीटा आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके बीटा आ जाएगा, दैट इज 9 आता है आई थिंक बच्चों, करेक्ट? यस सर। माइनस थ्री आता है सर, 9 आता है, 9 नहीं आएगा बच्चे, 14 करेक्ट, माइनस थ्री, माइनस थ्री, माइनस थ्री। बीटा कितना आता है एवरीवन? 35/3। हाँ एनीवे तुम समझो क्या करना, आप सुनना मेरे साथ, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनो गधों। अल्फा बीटा आ गया तो तीसरा रूट तो अल्फा प्लस टू है ना एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। तब एक ट्रिपलेट ऑफ रूट्स आ गया है 7, 9 and -3 एग्री करो, और दूसरा मैं अगर निकालूं तो आ जाएगा, करेक्ट एवरीवन? यस यस सर। पार्ट हम हैं, हमें पता है इनमें से एक ही आंसर है, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। यस सर। वो कैसे पता चलेगा, कौन बताने वाला है? सर आ रहे हैं। इसका मतलब दूसरे की कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट क्यों करूं, अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया तो वेल एंड गुड, यही आंसर है, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्री करो? हां सर। यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज अल्फा, मतलब तीनों का रूट्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस टू इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए? माइनस प्लस माइनस माइनस 189। तो बताओ इन तीनों का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इतना ही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फिर बताओ दूसरे वाले निकालने की जरूरत है क्या, टाइम वेस्ट करें क्या? नहीं सर। रूट्स आर 7, 9 and -3। क्या सबको क्यूबिक के रूट्स का निकालने का प्रोसेस समझ में आया एवरीवन? यस सर। क्योंकि क्यूबिक के रूट्स निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ऐसे ही कुछ करना पड़ता है, गॉट इट एवरीवन? यस सर। तो लेट मी नो, जल्दी से कॉपी करो अदरवाइज। सबका कॉपी हो गया अब तो? यस सर। यस सर। यस। आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस पेज, आई होप हो गया है। यस सर। ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बट एक बार कराने के लिए करा दिया, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलो फोर्थ क्वेश्चन तो फास्ट होना चाहिए अब, कम ऑन, मेक मी प्राउड कि फोर्थ में इशू नहीं आएगा।
इससे ज्यादा मैं भी नहीं समझाऊंगा, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा बच्ची, फिर बिल्कुल क्लियर कट लैंग्वेज है. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यूनिटी देन वेरी रॉन्ग, क्योंकि यूनिटी 10 बार अभी तक तो आ चुका है सिलेबस में. वही समझ में नहीं आया तेरे लड़की? यस सर. वेरी नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड. यूनिटी क्या होता है एवरीवन? यूनिटी का मतलब होता है वन. वन फाइंड अ न्यू क्यूबिक whose roots, all the roots, is greater by unity than the roots of the original cubic. अब सुन में आया लड़की? Yes sir, got it now. So answer भेजो. तो मैंने भी भेजा. Okay. रूपाल का तो करेक्ट है. ध्रुव ने बस सिंप्लीफाई मेरे लिए छोड़ दिया है, तो मैं भी नहीं करूंगा. जय का बिल्कुल करेक्ट है. वंश का रॉन्ग आई थिंक. सिद्धार्थ का भी बिल्कुल करेक्ट है. x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0. ये आंसर आना चाहिए बच्चों. गुड यश, गुड कैरव, गुड सिद्धार्थ. जिन बच्चों का हो गया ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो. फिफ्थ नहीं, ये नीचे के दो एक्स्ट्रा में से कोई भी करना. स्क्रीनशॉट ले लो. सुन लिया? Yes. जी सर. कृति करेक्ट, गुड. जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना भाई. ओके चलो फोर्थ. डू आई हैव टू अटेम्प्ट एवरीवन? सर सर, किस कौन से मेथड से करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन. किसी को स्टिल डाउट है तो बताओ भाई जल्दी से, लास्ट चांस. कैलकुलेशन गलती हो गई तो वो तो रेक्टिफाई कर सकते हो ना पैशनेटली घर पे वापस. यस सर. बट किसी को हाई लेवल कैसे अटेम्प्ट करना है तो आस्क मी. ओके देन अलजियम हो गया सबका. फिफ्थ वाला करो फिर. फिफ्थ करो अभी. जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन करो, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए फास्ट. गोपाल ने आज एक फॉर्मूला भी बोला था, उसी का यूज है. आया ना गोपाल? यस सर. और जनों का सही आंसर है तो क्या लिखूं? नचिकेत मिस्टेक है वो चेक करो. यश मिस्टेक चेक करो. अच्छा सब बच्चे बस मुझे एक चीज बता दो, ए प्लस बी प्लस सी कितना है इस क्वेश्चन में? जीरो. हाँ अगर तुमने ध्यान से देखा तो वो जीरो है.
तो इसका यूज करो भाई, समेशन ए बी इज थ्री एंड ए बी सी इज माइनस टू. ओके डिस्कस करते हैं. देखो इधर एनीवन, अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है एवरीवन? थ्री ए बी सी. सबको याद आ गया वो वाला फॉर्मूला एवरीवन? यस सर. सो थ्री ए बी सी होता है, तो अब ए बी सी की वैल्यू कितनी है? माइनस टू. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर माइनस सिक्स. सेकेंड पार्ट भी वैसे ही टू स्टेजल. देखो इसको ओपन करो के करोगे तो वो तो सुसाइड है. अगर हम स्मार्टनेस लगाएं कि a प्लस बी कितना है एवरीवन? माइनस सी. माइनस सी. a प्लस बी कितना है? माइनस सी. b प्लस सी कितना है? माइनस ए. माइनस ए. एंड c प्लस ए कितना है? माइनस बी. तो ये तो माइनस ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया. बस फर्स्ट पार्ट का माइनस करेक्ट ना एवरीवन? यस सर. यस सर. प्लस मुंडा ट्विस्ट बुकलेट के क्वेश्चंस में भी यूज आएगा. तो आई होप यू गॉट दैट एवरीवन. यस सर. यस सर. यस सर. जल्दी से बताओ कोई डाउट है क्या? नो सर. नो सर. बिल्कुल क्लियर बच्चों फिर देन? यस सर. तो अब मैं बुकलेट में ये सब क्वेश्चन दूंगा, तुम करोगे. नेक्स्ट क्लास पे अपन एक्सपोनेंशियल चालू करेंगे. क्लियर? यस सर. चलो यू कैन गो नाउ. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. थैंक यू. बाय. Sir, thank you. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir.